तो पॉइंट ये चल रहा था, क्या बात हो रही थी? टेंशन क्यों होती है वो मैंने बताया आपको। टेंशन की वजह यह है कि जब हम अपना काम सही नहीं करेंगे और सही टाइम पे नहीं करेंगे। अब अगर आप नाइन्थ क्लास में हो, पेपर्स आने वाले हैं, ये मार्च में है ना, 28 से शुरू हो रहा है, 18 से 19 को, अगर ये नाइन्थ के पेपरों से पहले आप मेहनत कर लेंगे तो उसका रिजल्ट तो फिर अच्छा आएगा ना। आप कहें नहीं जी मैं पेपरों के बाद मेहनत शुरू करूँ, तो फिर करते रहो मेहनत घर बैठ जाओ ना मुझी। तो करना क्या है कि सही टाइम पे मेहनत करनी है, जब उस मेहनत की जरूरत है, जब आपको प्यास लगी है, आपने उस वक्त पानी पीना नहीं है, तो बाद में जितना मर्जी पीते रहो फायदा क्या, पहले बीमार हो जाएंगे। भूख लगी है आपने और उस वक्त खाना खाया नहीं है, बाद में खाते रहो मजा ही नहीं आएगा। मेहनत जब करनी है उस वक्त की नहीं है तो अब जो मर्जी करते रहो मजा ही नहीं आना, वो रिजल्ट नहीं आना ना यार। ये बुनियादी चीजें इनको इनका पता है आपको, मैं सिर्फ ये मट्टी उतार रहा हूँ ऊपर वाली। ये जी मेहनत करनी है और सही टाइम पे करनी है, फिर उसका नतीजा आएगा, फिर टेंशन नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था इंसानों का, यानी आप सब का अपना भी। तो क्या हुआ, थोड़ी कम मेहनत की FSC में, मैट्रिक में मैंने ठीक मेहनत की थी, नंबर भी अच्छे आए थे। FSC में जो मेहनत चाहिए थी वो मैंने नहीं की, मुझे पता है। उस वक्त क्या किया, बस यार सो थोड़ा थोड़ा कर लें, नंबर आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ। नंबर तो आ गए, 70% नंबर थे मेरे राउंड अबाउट, तो वो दाखला नहीं हुआ MBBS में। जब नहीं हुआ तो गए टेंशन, यार ये क्या हो गया। अब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चे माजी में सोचते रहते हैं या जो फ्यूचर का सोचते रहते हैं सिर्फ और करते ही कुछ नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, वो लाइफ में आगे जाकर कुछ बड़ा नहीं कर सकते। या कुछ बड़ा समझ रहे हैं ना, कुछ बड़ा काम, जैसे बड़ा काम किसको कहते हैं आपकी नजर में, बड़ा काम क्या है? कोई भी काम जो मखलूक खुदा को फायदा दे, आपको फायदा दे, जिसमें अल्लाह की इताअत हो, जिसमें आपके दिल को सुकून मिले, वो बड़ा काम है। लोगों की नजर में चाहे वो छोटा, तो कोई भी बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं तो टाइम पे मेहनत करें और सही मेहनत करें, फिर उसका रिजल्ट अल्लाह भी छोड़े इंशाल्लाह उसका नतीजा आएगा। तो टेंशन से बचने का ये तरीका है। दुनिया में 8 लाख लोग खुदकुशी कर रहे हैं इस टेंशन की वजह से, इससे बचना है। उसी से क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसी से एंग्जाइटी हो रही है, उसी से चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसी से गुस्सा आ रहा है। गुस्सा कैसे आता है भाई जान? गुस्सा कैसे आता है, आप में से आता है किसी को गुस्सा? जी सबको गुस्सा आना भी मर्दानगी की अलामत है, मैं सही बता रहा हूँ। गुस्सा ना आना तो फिर तो वो तो बंदा ही बस वो है ना। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना पहलवानी की अलामत है। मर्द वो है, असल मर्द वो है जिसको गुस्सा आ गया और फिर उसने उसे कंट्रोल कर दिया। वो कैसे होगा कंट्रोल, ये भी चले समझ लें, थोड़ा सा बात आ रही है। गुस्सा आता कैसे, पहले ये समझना है। उस वक्त आता है जब आपकी हिम्मत हौसले और कैपेसिटी से बियॉन्ड कोई काम हो रहा होता है, बियॉन्ड यानी दूर, आपकी कैपेसिटी कुछ और है और उससे बियॉन्ड आपसे वो काम हो नहीं रहा। मसलन एक दिन में एक चैप्टर आपसे याद नहीं होना तो गुस्सा आता है। आपकी कैपेसिटी है आधा चैप्टर याद करना, तो अगर आप आधा याद कर लेंगे तो आपको खुशी होगी, इत्मीनान होगा। अगर आपकी कैपेसिटी है ही आधा चैप्टर, आप उसको एक चैप्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है।
ठीक है ना, तो क्या क्या होगा, गुस्सा आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि हम ये कबूल नहीं कर रहे यार मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर आप ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ मेरी कैपेसिटी आधा चैप्टर है वो मैंने कर लिया है, तो गुस्सा खत्म। जब आप ये कबूल कर लेंगे कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं अपना होता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब मुझे ये पता चला कि मैं MBBS में नहीं जा सकता, ये बड़ी अहम बात है सुन लें, जब मुझे ये पता चला मैं MBBS में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि अगर मेरे वाले साहब एक दो किले ज़मीन के बेच लें और सेल्फ फाइनेंस होती है, अपने पैसों पे एक सीट ली जाती है और दाखिला लिया, उस पर हो सकता था, वो मेरे वाले साहब ने मना कर, नहीं मैं नहीं बेच सकता था, नहीं पढ़ना, पढ़ो नहीं पढ़ना, जाओ तेल ले यानी जाओ खेलो जो मर्जी करो, तो यार मतलब तो क्या है, मुझे बड़ा गुस्सा है यार, मैं MBBS क्यों नहीं कर सकता। एक तो ये कि मैंने मेहनत नहीं की, वो टेंशन, मुझे ये भी पता था कि मेरी ही गलती है, मैंने पूरी मेहनत नहीं की, वरना मेरे नंबर बड़े अच्छे आते हैं, मैं हो जाता दाखिल, एक तो वो टेंशन। दूसरा ये है कि जी मेरे क्योंकि नंबर कम है और वाले साहब वो ज़मीन इधर उधर कर नहीं रहे, और जो सेल्फ फाइनेंस में मुझे एडमिशन मिलना है वो नहीं मिल रहा, तो मेरी कैपेसिटी, मेरे वालिदैन की कैपेसिटी से दूर था ये MBBS में मेरा दाखिला करना। तो जब ये हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड था तो फ्रस्ट्रेशन हुई। जब तक मैंने ये कबूल नहीं ना कर लिया, हाँ यार हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसमें एडमिट नहीं हो सकते, हमारी कैपेसिटी ही इतनी है कि जी हम DVM डॉक्टर में एडमिशन मेरा हो सकता है, उसी को पढ़ना है, जब तक ये मैंने कबूल नहीं किया ज़हनी तौर पर, मेरा गुस्सा नहीं ख़त्म होता था, मैं चिड़चिड़ा था, लड़ाइयाँ करता था, घर में भी, अपने दोस्तों से भी, अब तक ये सब में वो बड़ा हो गया था ना मशहूर, क्या ये तो लड़ता रहता है, उसके पीछे रीज़न थे। ये रीज़न मैं आज आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों से अपने रिलेशन को ठीक रखना है, वालिदैन से खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने दोस्तों से अच्छे तरीके से, बहन भाइयों से अच्छे तरीके से रहना है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार अगर आप नहीं होना चाहते, तो आज मौका है, आज टाइम है, आप कुछ कर लें ताकि ये आगे जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितने इश्यूज हैं वो ना हो, और कुछ दुनिया में ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर जाएं, दिल से कर जाएं, अच्छा कर जाएं, फ़ायदेमंद साबित हो जाएं। तो क्या जब मैंने कबूल कर लिया कि जी ये नहीं, मैंने DVM ही करना है क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, मेरे लिए यही सूटेबल है, तो फिर कूल एंड काम हो गया, फिर लड़ाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो गई, झगड़े भी कम होना शुरू हो गए, फिर लोगों ने कहा यार तुम तो वो थे तो तुम अब ये क्या हो। एक चेंज आता है बंदे में, तो पॉजिटिव चेंज था, शुक्र है अल्लाह का आ गया, ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो अपनी हालत को, अपनी कैपेसिटी को कबूल कर लेने का नाम है गुस्से से बचना, टेंशन से बचना। जब आप कबूल कर लेते हैं हाँ ये है ऐसा, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी मजबूतियाँ जो अल्लाह ने आपको दे दी हैं, उनको पहले समझ लें, उनको कबूल कर लें। जब आप समझ लेंगे, कबूल कर लेंगे, तो पुरसकून हो जाए, सुकून आ जाएगा, फिर जो भी करेंगे दिल से करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हाँ, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपने असल टॉपिक से। असल टॉपिक ये था कि मैंने आपको दूध, गोश्त और अंडों के फायदे बताने थे, वो जो मैं पिछले दफा में बता गया था, आप थे सर, 10th क्लास थी। तो अगर आप सब की सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छा सोच भी सकेंगे, अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे और उसमें भी तरक्की भी कर सकेंगे। सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये फजूल है, क्यों जी ऐसा है या नहीं? सेहत का जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर अगर आप फिट हैं, पुरसकून हैं,
इत्मीनान में है तब ही आप कोई अच्छा काम करेंगे ना, अच्छा सोचेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, नमाज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, घर के काम अच्छे तरीके से करेंगे, दिल से करेंगे। दिल से काम कब होता है? जब आपको सुकून हो, सेहत वाली हालत में हो, जिसे में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, दिल ही नहीं करेगा पढ़ाई का। तो अगर आपने सेहत अच्छी रखनी है तो रोजाना दूध पिए और दिन में 3 बार पिए, ये मैं समरी बता रहा हूँ, और कम से कम 1.25 किलो दूध पिए, 1.25 किलो, 1 किलो 1 पाव इकट्ठा नहीं पीना, 3 हिस्से बनाए, सुबह दोपहर शाम कर ले। और खाना जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप 3 टाइम ही करें, 2 टाइम काफी है, 1 टाइम भी काफी है, 2-3 टाइम करें थोड़ा थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, जहन ठीक होगा आपका, जहन और दिमाग खुल जाएगा, आंखों को बिनाई, जो आंखों की बिनाई है वो फिट हो जाएगी, दायरे पढ़ने में बिनाई की तो जरूरत है, सर में दर्द नहीं होगा, बाल अच्छे होंगे, जिस्म ठीक होगा, खूबसूरत हो जाएंगे आप, स्मार्ट हो जाएंगे, खुद को अच्छे लगने लगेंगे। जब आप अपनी नजर में भी अच्छे होंगे ना, तो फिर दुनिया सारी आपको अच्छा लगेगी। ये मैं 35 साल की उम्र में सीखा हूँ यार, आप अभी सीख जाओ। जब आप अपनी नजर में अच्छे हैं, अच्छे से मुराद ये नहीं कि खुद पसंद ही करे जाना है और दूसरों को बुरा समझ, नहीं, अच्छे होने का मतलब यह है कि शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है तूने मुझे हर चीज दे दी, ये है अपने आप को अच्छा समझना। हाथ पांव, आंख, जुबान, दांत, कान, हर चीज, दुनिया, इन चीजों का है भी नेमल बदल कोई नहीं है, ये वो नेमते हैं जो अल्लाह ने हमें दे दी है, शुक्र है उसका, शुक्र अदा किया करें। और ये जब उसने नेमतें हमें दे दी हैं, तो हमारा फर्ज है कि उनका ख्याल करें, उनको ठीक रखें, अच्छी खुराक से, दूध पीकर, और इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफा करें, सुन लो बच्चों, दूध पिएंगे, ये सारा जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं जिस्मानी नेमतें।